हेलो दोस्तों, यहाँ हम लोग क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट के जो मेन ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में कि ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और क्या उनके कार्य होते हैं, इन सारी चीजों को हम समेटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आइए, बने रहिए और सीखते हैं। बोलता है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमें क्यों जरूरत, क्या जरूरत है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। तो सिंपल बात है कि कंट्री बहुत बड़ी है, जो लोग हैं उसमें हर व्यक्ति की राजनीतिक सोच हो ये आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति के पास उतना समय हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम किसी न किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे पक्ष में हमारी मांगों को, हमारे डिजायर्स एस्पिरेशंस को देखते हुए सारी व्यवस्था बनाएंगे, उसी अनुरूप कानून बनाएंगे। और अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगले इलेक्शन में उनको हटा देना है। इस चीज के लिए पूरा पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि कैसे लेजिस्लेचर बनेगा, कैसे एग्जीक्यूटिव बनेगा। जुडिशियरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या का अधिकार जुडिशियरी को दिया गया है। और इसी सारे प्रोविजंस के तहत ये प्रोविजन भी है कि अगर कल को प्रेसिडेंट सही से काम नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम है जो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, तो उनको कैसे उनके पद से पदस्थापित किया जाए, कैसे उनका इम्पीचमेंट हो, कैसे प्राइम मिनिस्टर का इम्पीचमेंट हो, कैसे उनपे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जाए, कैसे गवर्नर को हटाया जाए, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। जो हमारे प्रधानमंत्री है और उनका जो कैबिनेट है वो संस्थाएं हैं जो सारे इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक नीति विषयक मामलों में निर्णय लेते हैं। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको यूपीएससी ने चुना है, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईआरएस, इनका काम क्या है, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं कि लेजिस्लेशन ने डिसीजन लिया उसको इंप्लीमेंट करो, उसको लागू करो। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी न्यायिक प्रणाली मुहैया करवाती है जहां पर दो सिटीजन के बीच में, सिटीजन और स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसका पीसफुल ढंग से रिजोल्यूशन होगा, किसी भी विवाद का निपटारा किया जाएगा। पार्लियामेंट, संसद। इन डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सारे अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें राजनीतिक अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार जो है वो उसका प्रयोग जो करते हैं किसके बिहाफ पे, जनता के बिहाफ पे, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है। सॉरी, इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, कहीं पे ड्यूमा है, कहीं पे सीनेट है, ठीक है, कहीं पे जिरगा कहलाता है। भारत में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को जो असेंबली है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर दो हाउसेस हैं, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं, जिसमें 550 मेंबर होते हैं, 543 ऐसे काम करते हैं। जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें 250 मेंबर हैं। और लोकसभा वर्सेस राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, इसके लिए अलग से एक वीडियो डला हुआ है, तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात यहाँ पे करूंगा नहीं। In our country, the parliament consists of two houses. The two houses are known as Council of State, जिसको कि राज्यसभा कहते हैं, and House of the People, जिसको लोकसभा कहते हैं। लोकसभा जो है लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है अपर हाउस है। मेंबर कैसे बनोगे, तो इसमें लोकसभा में 25 साल, उसमें 35 साल।
लोकसभा डिसॉल्व होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में ओरिजिनेट करता है, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं कर सकता है। बाकी कोई भी जो बिल है, बाकी बिल वो किसी भी हाउस में से हो सकता है। जब इंपीचमेंट का प्रोसेस आएगा तो वो दोनों ही हाउस में से कहीं से भी उठ सकता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा 543+2 एंग्लो इंडियन, जिसको कि नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा इज 238+12, ये 12 जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स में जो महारत वाले लोग होते हैं उनको डाला जाता है कि भाई आप अपने अनुभवों से चीजों को सिखाइए, बदलिए। एग्जीक्यूटिव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट देर आर वेरियस फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। बोलता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो है बहुत सारे फंक्शनरीज होते हैं, रोज के कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय लेते हैं और उसको लागू करते हैं जनता के बिहाफ पे। All these functionaries are commonly, collectively known as executive, और इनको ग्रुप के रूप में हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, द वन विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इट सिग्निफाइज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, जिसको कि आपने चुना है एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के लिए उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और यही सरकारें होती हैं। द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव फॉर द सिविल सर्विसेज, जो उनको के लंबे अवधि के लिए चुना गया है, सेवा के लिए चुना गया है। आप एग्जाम क्लियर कीजिए और आप फिर देश की सेवा कीजिए, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। पीपल वर्किंग फॉर सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। पावर क्या होते हैं, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, जो संसदीय बैठकें होती हैं उसकी वो अध्यक्षता करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों में सामंजस्य बना रहे इस चीज की व्यवस्था करते हैं। His decisions are final in case of disagreements between departments. अगर विभिन्न विभागों के मध्य में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो उन्होंने जो निर्णय ले लिया वो अंतिम निर्णय माना जाता है, फाइनल निर्णय माना जाता है। He exercises general supervision of different ministers. All ministers work under his leadership. वो जनरल सुपरविजन करते हैं अलग अलग मिनिस्टर का, और सारे मिनिस्टर जो है वो उनके लीडरशिप के तहत काम करते हैं। The Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers. प्रधानमंत्री जो है वो कार्य का बंटवारा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बंटवारा करने के बाद भी अगर कुछ फेरबदल की आवश्यकता होती है तो वो फेरबदल भी करते हैं। He also has the power to dismiss ministers. आवश्यकता पड़ने पर जिन नेताओं को चुना है, जिन मंत्रियों को चुना है, उनसे उनके प्रभाग छीने भी जा सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है उनके कार्य से। Council of Minister. Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. ये official name दिया गया है सारे ministers के body को। It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. इसमें 60 से 80 ministers होते हैं, उनके अलग अलग पद होते हैं। Types of minister, cabinet ministers जो हैं are usually top level leaders of the ruling parties or parties who are in charge of the major ministries. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनको मुख्य कार्य दिए जाते हैं, मुख्य प्रभार दिए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, और कुछ जो गौण मंत्रालय हैं जो उतने प्रमुख नहीं हैं उनको भी दिया जाता है कार्य, उनको कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स इन देयर वर्क। जो स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उनका काम होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको उनके कार्य में आप मदद कीजिए। कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, ये कब आता है, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि किसी एक पार्टी को, जिसको बोलेगा कि पूर्ण मताधिकार, क्लियर कट मेजोरिटी, वो क्लियर कट मेजोरिटी अगर नहीं आए तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन।
जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गठबंधन करते हैं, यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज मेजोरिटी, ये परिस्थिति तब आती है जब किसी इकलौती पार्टी जो है उसको मेजोरिटी बहुमत नहीं मिल पाता है, हाँ एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स इन अ लेजिस्लेचर, तो गठबंधन की सरकार बनती है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमपीज और एमएलएज मिलकर के चुनाव करते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के क्या पावर होते हैं, द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, किसी राज्य के अंतर्गत जो भी कोई व्यवस्था चल रही है, जो कोई भी विभाग बटे हुए हैं, उन सारों के फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते हैं, The governmental activities takes place in the name of president, और जो सरकारी सरकारी कार्य व्यवहार होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे चलाए जाते हैं, All laws and major policy decisions of the government are issued in her name, सारे कानून जो है उन पे राष्ट्रपति का मुहर लगता है, तभी वो कानून बनता है, बिल पे जब उनकी संस्तुति होती है, उनका रिकमेंडेशन होता है, तभी वो बिल बनता है, तो और जो कोई भी ऐसे संविदा या महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं दूसरे देशों से, वो सारे उन्हीं के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे ही, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट सच एज द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होंगे, हाई कोर्ट के जजेस कौन होंगे, गवर्नर कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, राज्यपाल कौन होंगे, यूपीएससी का चेयरमैन कौन होंगे, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन होंगे, सॉलिसिटर जनरल कौन होंगे, ठीक है, ये सारा जो है इनके ही नाम से अपॉइंट किया जाता है, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं, ठीक है, या कोई संधि होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है, प्रेसिडेंट ही जो है वो पीस या वॉर डिक्लेयर करते हैं, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो तीनों सेना है उसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर्स ओनली इन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो है ये अपने पावर्स का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ करके उनके सलाह पर, ऐसा नहीं है कि उनको मतलब खुली छूट मिली हुई है, उसके लिए भी एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है कि कैसे आप किस प्रकार से अपने किन शक्तियों का निर्वहन करेंगे, किन शक्तियों को कैसे प्रयोग में लाएंगे, जुडिशियरी न्यायपालिका, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशियरी, जब हम देश के सभी कोर्ट को, सभी न्यायालयों को एक साथ रख देते हैं तो हम कहते हैं कि ये जुडिशियरी हुआ, न्यायपालिका बना, The Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation. पूरे देश के लिए एक Supreme Court है, High Court है अलग अलग state के लिए, कुछ ऐसे state भी हैं जिनका joint High Court है, उसके अलावा District Court होते हैं, ठीक है, local level पे. Independence of the judiciary, ये देखा जाता है या ये ensure किया जाता है कि जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष हो, वो स्वतंत्र हो, ताकि उसके निर्णय जो है वो प्रभावित ना हो. Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or the executive. तो independence of judiciary की जब हम बात करते हैं तो उसका ये मतलब हुआ कि judiciary जो है वो legislature या executive के control में नहीं है. तो यही था दोस्तों, thank you. ये बनाया है ऋषिका ने, explain किया है चंद्रहास जी ने.